हमारे असीमित ब्रह्मांड में कई रहस्यमयी और हैरतअंगेज चीजें हैं। ब्लैक होल उन्हीं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ब्लैक होल क्या है, यह बनता कैसे है, आखिर वैज्ञानिक इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। दरअसल ब्लैक होल स्पेस में वह जगह होती है जहां सभी भौतिकी नियम बेअसर हो जाते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि हम कल्पना तक नहीं कर सकते। ब्लैक होल की सीमा, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, से गुजरने वाली हर चीज को यह अपनी ओर खींच लेता है। यह इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भी इससे बचकर नहीं निकल सकता। हम कोई भी चीज तभी देख पाते हैं जब उसका प्रकाश किसी सतह पर टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है, मगर ब्लैक होल के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। यह हर ऑब्जेक्ट को अवशोषित कर लेता है, चाहे वह प्रकाश ही क्यों ना हो। इसलिए इसके बीच के भाग में अंधेरा होता है, जो गोल छल्ले के रूप में दिखाई देता है। इसके घनत्व के कारण गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि ब्लैक होल के पास समय की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है, यह लगभग गायब ही हो जाता है। मान लीजिए आप स्पेस में किसी खोज के लिए निकले हैं और एक ऐसे ग्रह पर पहुंच जाते हैं जो ब्लैक होल के बहुत करीब है। अगर आप उस ग्रह पर एक दिन गुजार देते हैं और जब वापस पृथ्वी पर आए तो हो सकता है कि 50 वर्ष गुजर चुके हो। अगर आपने इंटरस्टेलर फिल्म देखी है तो आप यह बात बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि यह बनता कैसे है। किसी भी वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा रहेगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। कोई भी वस्तु ब्लैक होल तभी बन सकती है जब उसको दबाकर बहुत ज्यादा संकुचित कर दिया जाए। वो चीज जितनी छोटी होती जाएगी, उसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ऐसा ही स्पेस में होता है। जब किसी विशाल तारे की मृत्यु होती है तो वह टूटकर अपने अंदर ही सिमटने लगता है। सिमटते हुए उसका घनत्व बढ़ने लगता है। छोटा होकर उसका घनत्व इतना बढ़ जाता है कि वह आसपास की चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। फिर चाहे वह कोई ग्रह हो या प्रकाश, सब उसमें समा जाता है। इस प्रक्रिया में जो इसके आसपास का क्षेत्र विकसित होता है, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार देता है। जब से ब्लैक होल के अस्तित्व में होने की बात सामने आई है, तब से वैज्ञानिक इसकी गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।